का पेज जो है वो 2x2 का है। अब इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेंट करूंगी, और पेंट आप कोई भी कलर से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेसिकली ये कलर आपके पास होना ही चाहिए ऑयल पेंट या एक्रेलिक। अगर आपके पास एक्रेलिक है तो आप एक्रेलिक से भी पेंट कर सकते हो, और आपके पास अगर ऑयल पेंट है तो आप ऑयल पेंट से भी कर सकते हो। बट ये दो कलर ही आपके इसके अंदर यूज हो सकते हैं, ना कि पेंसिल कलर ना कि क्रेयॉन। ओके, तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया है ब्राउन कलर, बिकॉज ऑलमोस्ट ये जो प्लाई है मेरी वो ब्राउन कलर की है, तो मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ब्राउन कलर। आपका जो प्लाई है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, और प्लाई के साथ साथ अगर इनकेस आप एमडीएफ लेते हो, एमडीएफ इन द सेंस उसको बोलते हैं न्यू वुड, अगर आप न्यू वुड भी उसके अंदर ट्राई करते हो तो भी चलेगा, बट वो कंपलसरी आपका होना चाहिए वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ इसलिए बिकॉज जब हम पीओपी एंड वाटर वो उसके अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा कि लाइक जो प्लाई होती है एमडीएफ होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद ना थोड़ा बहुत स्वेल हो जाता है, स्वेल इन द सेंस फूल जाता है, कभी कभार प्लाई बैंड भी हो जाती है। तो इसकी वजह से हम ना उसका बेस जो होता है वो वाटर प्रूफ चूज करते हैं, ताकि पीओपी एंड वाटर से उसके ऊपर अफेक्ट ना हो। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा व्हाइट लूंगी, दिस इज ओनली फॉर टेक्सचर। कैनवास फैब्रिक, और कैनवास फैब्रिक के साथ हमें चाहिए पीओपी पाउडर, फेविकॉल, कॉर्नफ्लोर, जिसके वजह से हम यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करेंगे। पैटर्न क्रिएट करने से पहले आपको अपने दिमाग पे एक कॉन्सेप्ट या एक थीम बना लेना होता है कि आप यहाँ पर कैनवास के ऊपर अप्लाई क्या करोगे, राइट। तो बेसिकली मैंने जो अभी सोचा है वो फ्लोरल पैटर्न सोचा है, बिकॉज फॉर द डेमो आपको सिखाना है, इसलिए तो फ्लोरल पैटर्न के लिए मैं स्टार्ट करूंगी जो मैंने कैनवास से बहुत से शेप्स क्रिएट करे हैं, जैसे कि ये फ्लावर फॉर्म है एक, राइट। तो यही जो शेप्स है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा जो मेरा क्रिएशन होगा वो इसके ऊपर होगा, तो मैं वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपको डालना है पीओपी पाउडर, इसके साथ आपको डालना है थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर। जितना आपने पीओपी डाला है उसका आपको हाफ का हाफ डालना है, ज्यादा नहीं डालना। उसके बाद आपको डालना है सारे बॉल, और सारे बॉल के बाद यू शुड वेयर ग्लव्स बिकॉज आपके हैंड्स डैमेज ना हो, इसलिए देन फिर इसको प्रॉपरली मिक्स करो। वाटर की जरूरत तो पड़ेगी आपको, बिकॉज उसका थोड़ा बहुत आपको लाइक ग्रेवी स्टाइल में ऐसे पैच, इसका ऐसे पेस्ट बनाओ, प्रॉपरली उसको मिक्स करो। पाउडर में क्या रहता है ना, गांठे हो जाते हैं, तो गांठों को भी आप अच्छे से फिंगर थ्रू निकालो। अब आप देख सकते हो ये मेरा एक रेडी हो चुका है पेस्ट। मेरा जो फॉर्मेट है वो फ्लोरल पर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैंने एक लीफ शेप कटिंग करा है, तो उसको मैं लूंगी, पूरा लेयर उसके ऊपर आ जाना चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा निचोड़ दो। अब मैं उसको यहाँ पर अरेंज करूँ,
ये मेरे सारे लिए सारे छोटे हैं। अभी जैसे कि सबसे बड़ा फ्लावर है ये, अगर आप चाहो तो आप इसका नंबर भी डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे। मुझे पता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, बट अगर आपको डाउट लगे तो आप इसके ऊपर ना नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये हो गया मेरा फ्लावर जो मैं फिलहाल इसके ऊपर अरेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच में प्रेस करूँगी और इसके पैटर्न्स को थोड़ा सा ऐसे। सबसे ज्यादा टाइम ये सूखने में लेगा। अब इससे छोटा जो है वो मैं ले रही हूँ। इसके ऊपर पूरा सा पेस्ट लगा तो थोड़ा बहुत अपोजिट डायरेक्शन ऐसा कुछ। देन आफ्टर मेरे पास और है, उसको मैं अरेंज करूंगी यहाँ पर। ऑलवेज जो फ्लावर पैटर्न होती है वो एक दूसरे के अंदर मिली हुई होती है, ठीक है। ये क्रिएशन जो दिख रहा है आपको ब्यूटीफुली सा, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत पीओपी आपका जो है वो आउटर साइड गया है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर दो ताकि वो जम ना जाए। जमेगा फिर उसका लुक जो है वो अच्छे से आएगा। सूखने के लिए 24 आवर्स चाहिए। 24 आवर्स के बाद ये अच्छे से इसका क्रिएशन हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको ऐसे क्रिएशन में लेना होता है ताकि आपका जो फ्लावर है वो एम्बोस और 3D रहे, राइट। ये देखिए, ये है एक बड़ा फ्लावर, एक छोटा फ्लावर, एक और छोटा फ्लावर, और यहाँ पर मैंने लीफ अरेंज करे हैं। तो ये पूरा मेरा 2x2 की फ्रेम पर मैंने एक पूरा कॉर्नर अरेंज कर लिया। अब इसके बाद जो करना है वो कलर की प्रोसेस है, लेकिन कलर की प्रोसेस आपकी ये वाले पोर्शन में अभी पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट इसको 24 आवर्स आपको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हमने जो किया था 3D टेकोप्लास्ट वो आज बिल्कुल हार्ड हो चुका है, जिसके अंदर हमने यूज किया था पीओपी पाउडर, कॉर्नफ्लोर, फेविकॉल एंड कैनवास फैब्रिक। कैनवास फैब्रिक को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा ना हार्ड हो चुका है, और अपने लेवल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने सेट किया था एग्जैक्टली वैसे ही ये बन चुका है। अभी मुझे ना थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिएटिविटी कम लग रही है, तो इसके अंदर मैं पीओपी यूज नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसके अंदर क्ले यूज करूंगी। क्ले के अलावा आप इसके अंदर शेड कार्ड और एमसील भी यूज कर सकते हो। राइट नाउ मेरे पास जो है वो खाली एमसील अभी है, तो एमसील से मैं आपको डेमो दे देती हूँ कि एमसील को थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल, मतलब अगर ग्रे से आप थोड़ा लेते हो तो ब्लैक से भी आपको थोड़ा ही लेना है। एमसील में भी आपको 2 कलर मार्केट में अवेलेबल है। देन सेकंड थिंग, जब भी आप ये काम करोगे शिपकार्ट थ्रू या एमसील थ्रू या फिर क्ले थ्रू, तो आपको अपने पास टैल्कम पाउडर भी रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपका जो हैंड स्टिकी स्टिकी रहता है वो ना हो और इजिली ये जो क्ले है वो बिल्कुल निकल के हाथों से बाहर आ जाए। इसको अच्छे से मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद अभी इसके अंदर ना मैं क्रिएटिविटी कर, ये जो एमसिल है वो पूरा मिक्स हो चुका है जो आप देख सकते हो लाइक दिस। अब इसको मैं क्या करूंगी, ये 3 फ्लावर्स है उसके अंदर मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी है, तो क्रिएटिविटी के लिए मैं ना उसको एक राउंड देती हूँ। राउंड करके उसको यहाँ पे बीच में रख देती हूँ, और रख देने के बाद ऐसे
मैं उसको कोई भी आप टूल्स भी ले सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो आपके पास, देन मैं इसको अंदर अच्छे से प्रेस करूंगी तो अच्छा खासा टेक्सचर मुझे मिल जाएगा जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है। इसको भी मैं टूल से, ये पॉइंटेड चीज है तो उससे मैंने इसको प्रेस करके छोड़ दिया। जो दूसरा है उसको लूंगी, ऐसा कुछ मैंने किया है जो आप देख सकते हो बीच के पोर्शन में। अब मैं इसके अंदर ना पेंट करने वाली हूँ। पेंट के लिए मैंने फ्लावर के लिए सोचा है कि मैं फ्लावर के अंदर व्हाइट कलर करूंगी, लीफ जो है वो थोड़े बहुत डार्क ग्रीनिश करूंगी, और ये जो हो चुका है उसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, बिकॉज अगर गीला होगा तो वो कलर पकड़ेगा नहीं, तो उसको भी ड्राई होने के लिए थोड़े बहुत टाइमिंग की जरूरत है, तो वो ड्राई हो जाए फिर उसके अंदर हम कलर। अब ये पूरी तरह से ना ड्राई हो चुका है, जहाँ मैंने क्ले किया था वो क्ले भी अब थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई करूंगी। ये व्हाइट एक्रेलिक कलर है, इसके अंदर आप ट्यूब कलर भी एक्रेलिक में यूज कर सकते हो, इवन एक्रेलिक का आप स्प्रे भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि जैसे कि फ्लावर में मैंने ऑलमोस्ट व्हाइट कलर दे दिए हैं, अभी मैंने ब्राउन कलर लिया है, तो ब्राउन कलर जो यहाँ पर मेरा मैशी हो चुका था तो थोड़ा मैंने उसको फिनिशिंग पर्पस यूज करना है। अब जैसे कि ये बीच वाला मुझे उसको फ्लावर को हाईलाइट करना है, तो थोड़ा बहुत मैंने ऑरेंज लिया है जो मैं मिक्स कर रही हूँ बीच वाले पोर्शन में, थोड़ा बहुत ये फ्लावर को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब ये थोड़े बहुत जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे मैंने ऑरेंज कलर से उसको हाईलाइट कर दिया है। अभी बाकी बचे हैं लीफ जिसको मैं पेंट करूंगी। जो लीफ होते हैं वो लीफ येलो ग्रीन वैसे शेड में होते हैं, तो मैं ना पहले अपना यहाँ पर लीफ का बेस है वो मैं येलो से क्रिएट कर लेती हूँ, देन आफ्टर उसके ऊपर ग्रीन और उसे शेड करूंगी। ये ऑलमोस्ट मेरा एक लीफ हो गया, अभी मैं ले रही हूँ दूसरा लीफ। इसमें ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं, बट बेसिकली फ्लोरल पैटर्न अच्छे से कोई भी इजीली उसको बना सकता है। ये पैटर्न तो मैं लाइक डेकोप्लास्ट ना हम इंटीरियर में भी यूज कर लेते हैं, मैं इंटीरियर के स्टूडेंट्स को भी टीच कर देती हूँ कि लाइक कोई मॉडल या फिर कुछ क्रिएशन करनी है और वो 3D चाहिए उनको, तो ये चीज वो यूज कर सकते हैं मॉडल अकॉर्डिंग। ये मेरा लास्ट वाला लीफ बाकी बचा है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। जितना हो सके उतना कवर अप करना है। अब मैं लूंगी ग्रीन कलर, अब मैं ग्रीन कलर से थोड़ा बहुत उसको हाईलाइट करूंगी। येलो एंड ग्रीन जब मिक्स होते हैं तो लाइट ग्रीन बन जाता है, तो वो नेचुरल लुक आता है।
एक भी कोना ना बचे उस हिसाब से सिलप करो। ऑलमोस्ट क्रिएशन डन है, थोड़ी बहुत और उसकी फिनिश। एम्बोस रेडी, पूरा मेरा रेडी हो चुका है। ये मेरा 2x2 की फ्रेम में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। डन है, थोड़ा बहुत मैंने गोल्ड से और वाइट ब्लैक से बाद में लास्ट में हाईलाइट भी कर लिया। नाउ पेंटिंग इज डन।